ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पेट्रोलियम टैंकर में पंजाब से अवैध रूप से लाई जा रही 80 लाख रुपए की शराब को जब्त किया है। इस मामले पर मुजफ्फरपुर की एसडीपीओ विनीता सिंह ने कहा, मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा शराब के ठिकानों का भंडाफोड़ करने के लिए छापेमारी की जा रही थी। कल हमें शराब की तस्करी के संबंध में सूचना मिली थी। हमारी टीम ने एक पेट्रोलियम टैंकर से शराब जब्त की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा शराब के विरुद्ध जो छापामारी की जा रही है, उसमें निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। स्पेशली पर्व त्योहार के दौरान इस चीज को हम लोग और इंटेंसिफाइड फॉर्म में कर रहे थे, और इसी संदर्भ में कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु SHO अय्यापुर के नेतृत्व में पुवनी बिट्टू कुमार और उनके दल बल के साथ बकरी चौक के पास से एक भारत पेट्रोलियम का जो टैंकर था, जिसका वाहन नंबर NL01K4421, इसमें विदेशी शराब के कार्टन्स के थ्रू तस्करी की जा रही थी, जिसे जो हमारी रेडिंग टीम थी उसके द्वारा उसको सीज किया गया, और इसमें